फ्रेंड्स मु भी बहुत अम्मान को वेलकम करची हमर YouTube चैनल नॉलेज थिंक को पिला माने प्रीवियस क्लास रे हमें गॉस लॉ पढ़ी सारतिलु आजिरो क्लास रे गॉस लॉ को अप्लाई करी हमें कोनोसी भी स्फीयर इनसाइड रे आउटसाइड रे एंड स्फीयर रो सरफेस ऊपर केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो ताहा डिस्कशन करू सो पिला माने विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट एग्जाम रे पचारे स्फीयर स्फीयर रे तमन गोटे आसे सेल और सॉलिड स्फीयर सेल और या को कहि परिबो होलो स्फीयर अच्छा सॉलिड स्फीयर रे आसीबो तमरो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सेल ताले आसला केतना सेल इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एई तीनटा रो क्वेश्चन आस देखिवा सेल कोन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर कोन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कोन सेल किबा होलो स्फीयर कोन हितो माने भीतर पूरा खाली फंपा फंपा स्फीयर होलो स्फीयर माने फंपा स्फीयर ओडिया रे कहले फंपा स्फीयर तो एथिरे भीतर किछ नै खाली तनो आमे याकु चार्ज करिबो जदि चार्ज बाहर दबो ताले ये कोन जो चार्ज जो माने करो मु पॉजिटिवली आ को चार्ज करली ताले मोर चार्ज कोन हो सरफेस ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो काहे कि ना भीतर खाली किछ नाही अरे चार्ज भी रहिवा पई मटेरियल भीतर ही रहिवा दरकार ना मास किछ रहिवा दरकार ना चार्ज जदि अछि मास अछि ताले भीतर ही किछ नाही खाली ताले जत्ते भी हमें चार्ज दबो कोन हो सब सरफेस ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तापर आसीबो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर एटी लिख देबी कोन ये होची होलो स्फीयर इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर एंड थर्ड कोन खाली सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होलो स्फीयर कथा बुझी गलो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर मु इंसुलेटर माने ए स्फीयर टा कोन इंसुलेटर रे तयार हिजे माने कहि पारो प्लास्टिक प्लास्टिक रे तयार हिजे ए स्फीयर रे मु इंसुलेटर कोन कहितली को प्रकार मटेरियल जो मटेरियल रे चार्ज इजीली फ्लो हेई पारे ना चार्ज इजीली फ्लो हेई पारे ना ताले ए जो इंसुलेटिंग स्फीयर मु सतिरे कोनोसी भी चार्ज बाहर देबी मु माने करो याकु मु क्यू चार्ज देबी क्यू चार्ज गिवन बोल पॉजिटिवली चार्ज आले क्यू चार्ज कोन होबो एथरे केमिति डिस्ट्रीब्यूट होबो मु डिस्ट्रीब्यूट कर देली ये कोन होबो यूनिफॉर्मली पूरा होल वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हेई आइथु ए चार्ज यूनिफॉर्मली पूरा वॉल्यूम रे कोन होबो डिस्ट्रीब्यूट हेजु काहे कि ना भितरे भी यार मास अछि खाली नै सॉलिड माने खाली नै ये फुल कवर अछि हला माने ये होलो कहि पारो तुमे बेलून कहि पारो जेबिदि भीतर खाली एयर थियो ये कहि पारो तुमर क्रिकेट बॉल माने टेनिस बॉल ने ड्यूज बॉल भीतर निदा ये होजी या भीतर भी कोन थियो एमिदि भरते हि थियो सॉलिड खाली ना इंसुलेटर गैस रे तारे जो चार्ज को मु जेमिति रखि देली से सही जगह रे प्लेस हि जो काहे कि ना एथरे चार्ज फ्लो हे पारे नै इंसुलेटर रे तले जो चार्ज भी मु रखिली ये कोन हो सेही ही प्लेस हे रहि जो इंसुलेटर रे तले होल वॉल्यूम रे कोन हे जो मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे जो किंतु तमर जदि कंडक्टिंग स्फीयर कथा कहिबा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कथा त
ताले सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रे कोन हुए कंडक्टर रे चार्ज इजीली फ्लो हो जाए तेनु मु जहां चार्ज भी मु एठी प्लेस करले मन करो एति की चार्ज मु कोन करली एठी रखि देली प्लेस करले जहां भी चार्ज देबी से कोन हो सीए आ मझिरे रहिबो कि सीए सरफेस ऊपर को डिस्ट्रीब्यूट हो सरफेस ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो काहे कि ना पूरा बेसिक रूप जो मु कोन कहितली सेम चार्जेस आर रिपल्सिव तनो मु जो चार्ज एठी देई देली ये रिपेल हो जो कि नहीं आ रिपेल हेले ये तो सुविधा छि सुविधा रास्ता पड़छि बाहर को सब बाहर जियो जेहेतु कंडक्टर रे इजीली चार्ज फ्लो हो जाए ये कोन परस्पर रिपेल हे सरफेस ऊपर को पड़े एको भीतर गुडे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होबे एठी जनरेट होबो एते भीतर को जाऊनी मु खाली जस्ट बेसिक रु कहू छि जे रिपेल है से माने सरफेस ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है जे किंतु ए केस रे कोन होतला एठी भी रिपल्शन अछि चार्ज मान को भीतर परस्पर भीतर रिपल्शन अछि किंतु हमर जो रोड क्लियर नै रास्ता क्लियर नै इन्सुलेटर अछि इन्सुलेटर रे चार्ज इजीली फ्लो हि पारे तेनो जे जोठी रहि छि सेठी ही रहिगो हम को ए तीनटा केस रे फाइंड आउट करिया पई पड़िबो गोटे इनसाइड पॉइंट रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिया पई पड़िबो सरफेस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिया पई पड़ियो आउ आउटसाइड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिया पई पड़ियो त सब केस रे हमें देखियो चलो देखिया फास्ट आसीबो होलो स्फीयर कथा लिखि देबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर नले चार्ज्ड सेल फर्स्ट केस देखिबा आउटसाइड पॉइंट मन करो ये गोटे चार्ज सेल जार रेडियस केते आर कैपिटल कैपिटल आर आमे फाइंड आउट करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड एई सेल रो आउटसाइड रे कोनसी एक पॉइंट मन करो ये गोटे पॉइंट एठी पी पॉइंट आमे एठी फाइंड आउट करिया कोन इलेक्ट्रिक फील्ड का जबु एई सेल जबु तले मन करो ये डिस्टेंस होउची सेंटर रु स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर रु स्मॉल आर आमे जानिचु स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर कोइ दे परियो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर फर्स्ट केस रे ए केस पई माने आर इज ग्रेटर देन अच्छा मु इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति फाइंड आउट करथुलि गॉस लॉ को अप्लाई करी फर्स्ट स्टेप आमे कोन करथुलु गोटे गॉसियन सरफेस ड्रा करथुलु गॉसियन सरफेस ड्रा करथुलु ताले ये जो जेहेतु मोर स्फेरिकल शेप ताले या सराउंडिंग रे गॉसियन सरफेस केमिति होबो गोटे स्फीयर बरिका होबो गॉसियन सरफेस कोन कहूची प्रत्येक पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल थिबो ताले या सराउंडिंग रे गॉसियन सरफेस रे ड्रा करले से केमिति आसीबो गोटे स्फीयर परिके आसीबो एबुड़िया स्फीयर पे आसीबो नेक्स्ट स्टेप मो एटी फाइंड आउट करबी ई डी एस ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज एनक्लोज केते चार्ज एनक्लोज हेची टोटल चार्ज मोर टोटल चार्ज एथिरे सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट हेची सेल रे टोटल चार्ज सरफेस एरिया रे डिस्ट्रीब्यूट हेची ताले टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू कोन हो मोर जदी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी केते आस्तला सिग्मा इनटू 4 बाय कैपिटल आर स्क्वायर जेतु रेडियस आर अछि कैपिटल आर 4 बाय आर स्क्वायर ताले एई जो गॉसियन सरफेस रे केते चार्ज एनक्लोज हेची टोटल चार्ज क्यू ता माने सिग्मा 4 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 ई कांस्टेंट बाहर को नहीं गली ये डीएस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 अच्छा एठी चिंता करलो एई जो डीएस रो इंटीग्रल वैल्यू केते आसीबो सी तो
এই যে ফার্স্ট যে এই 4 পাই আর স্কয়ার লিখিলে সে কোন পাই লিখিলে যে এই স্ফেরিক্যাল শেল রে কেতে চার্জ টোটাল আছে q সারফেস চার্জ ডেনসিটি ইনটু সারফেস এরিয়া কিন্তু এঠি যে ds আছে ইয়ে কার গসিয়ান সারফেস র আমি সারফেস ইন্টিগ্রাল করু গসিয়ান সারফেস র সারফেস ইন্টিগ্রাল করু তাহলে এই যে গসিয়ান সারফেস র সারফেস ইন্টিগ্রাল কেতে আসিব e ইনটু ds র ভ্যালু 4 পাই স্মল r যেহেতু ইয়া রেডিয়াস স্মল r আছে ইকুয়াল টু সিগমা 4 পাই r স্কয়ার পাই এপসাইলন 0 4 পাই 4 পাই কটি গলা e ইকুয়াল টু কত আসিব सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन r स्क्वायर जदि मु टोटल चार्ज को कन्वर्ट न करी थांती माने सिग्मा टर्म ने न लेख थिले ए कोन हिला ए कोन हिता ता एठी कर दउ छी ए आस्ता ता तमरो इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 आस्ता ता एठी जो 4 पाई कैंसिल आउट कर देली ये कौन है कहता है e into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 e इक्वल टू कहता है कहता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर ये देखो ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला हमको मिलला ई रो आउटसाइड पॉइंट स्फेरिकल सेल पे आउटसाइड पॉइंट ये केमिति अछि जेमिति हमें गोटे पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करथुलु आर डिस्टेंस रे सेही सेम वैल्यू आसीनी सेही बढ़िया सेम वैल्यू आसी ता माने मु कह दे परबी आउटसाइड पॉइंट पे कोनोसी भी सेल केमिति बिहेव करे गोटे पॉइंट चार्ज भलिया बिहेव करे बुझी पालो देखो जो ये हो जी तुम सिग्मा टर्म में ये कौन हो जी टोटल चार्ज जो दिमाग तक गिवन हो जी ताले सही टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट ही जी आउटसाइड पॉइंट रे देख ले एबे सरफेस ऊपर देखिए सेकंड रे कौन आ सो ऑन द सरफेस सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सो हमारे मुझे भी देख दे परी आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर सरफेस कथा कहले मु एठी गोटे पॉइंट पी सेठी फाइंड आउट करबी कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ताले सरफेस पई मोर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर ताले इक्वेशन रे मु पुट कर देबी मोर कोन आस्तिला ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एई फार्मूला मते मिलथिला एठी देखो r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर ता माने मु e इक्वल टू लिख दे परबी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 है जो एमिति कोठे देखि देले आगरु ए बळे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल चार्ज प्लेट पई आमे आउटसाइड पॉइंट रे फाइंड आउट करथिलु इलेक्ट्रिक फील्ड अति आस्तिला देन आसो इनसाइड पॉइंट पर ये इंपॉर्टेंट सुनो इनसाइड पॉइंट ता माने मु कोन करबी पी पॉइंट ता मोर एई जगह रे मन करो पी पॉइंट ये होची स्मॉल आर इनसाइड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करबी एठी भी सही सेम केस करबी तले ये मोर लिख देबी आर इज लेस देन कैपिटल आर इज लेस देन कैपिटल आर ए पॉइंट रे फाइंड आउट करी माने मो सेम केस कोन सेई भले गॉसियन सरफेस टे ड्रॉ करी गॉसियन सरफेस टे ड्रॉ करी आस गॉसियन सरफेस भी समिति स्फेरिकल थिवो गॉसियन सरफेस रे मते को ए जो गॉसियन सरफेस भीतर चार्ज केते एनक्लोज अछि
गॉसियन सरफेस अंडर रे केते चार्ज एनक्लोज अछि फिगर रु देखि पारथो बिल्कुल चार्ज एनक्लोज ही नै ता माने एनक्लोज चार्ज q इक्वल टू केता छबो 0 e ds इक्वल टू कोन हो q बाय epsilon 0 q मोर केता छला 0 ता माने e केता छला e इक्वल टू टोटल 0 ही एमिति भी तुम्हें बुझि पाइबो मु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू रे तुमको बुझु देखो ये सेंटर मोर ए पॉइंट रे आउटसाइड पॉइंट रे केमिति इलेक्ट्रिक फील्ड आसो समस्त को पाई एमिति एमिति सब चार्ज पाई एमिति एमिति इलेक्ट्रिक फील्ड आसो ता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन रे एमिति जीवो ए पॉइंट पाई ठीक अछि सरफेस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति आसीबो सेम कोबला सब चार्ज को पाई ए सरफेस ऊपर समस्त को पाई हालांकि भीतर कोनोसी इलेक्ट्रिक फील्ड नथियो किंतु ए चार्ज रो जो इन्फ्लुएंस टा ए साइड रे भी थिवो ना इलेक्ट्रिक फील्ड माने कर एठी बडे चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकि परजन जाइथिबो भीतर लास हेइथो पुनी एउटु स्टार्ट हेइथि एई बडे आइथु समिति प्रत्येक चार्ज कर इन्फ्लुएंस या ऊपर पडियो ये भी समिति इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये भी उटे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन रे जीवो किंतु इनसाइड पॉइंट रे भाबिलो केमिति इलेक्ट्रिक फील्ड थियो कोनसी पॉइंट फील्ड लाइन केमिति थियो हालांकि नथै वो बुझेबा पई कहू छी एही पॉइंट रे फाइंड आउट करली इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने कोन फील्ड लाइन समस्त को पई एमिति एमिति जाइथु इमेजिन करो हालांकि नथै एमिति बुझेबा पई एही पॉइंट रे जदी मु फाइंड आउट करबी तारे समस्त को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाई के केते करबे एटी 0 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एटी केते आसीबो 0 होई जीव बुझि पालो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर आमे ड्रो करबे कोन ग्राफ सेल पे सेल टेमिति ओरिजिन रे प्लेस करबी ये होची आर रेडियस मो स्टार्ट करबी ओर 0 रु सॉरी 0 रु इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसला मोर 0 ता माने मु एति की मोर कोन आसला 0 रे गला 0 देन एही जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसला सरफेस ऊपर सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 जदि मु क्यू टर्म रे लिखबी ताले केते आसीबो मोर फार्मूला आथले 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर एही पॉइंट रे जो आर टा केता से कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ता माने एठी तो 0 आसीला एई पॉइंट रु जो स्टार्ट होबो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होबो ए सेल पई मैक्सिमम हो ता पर जते रेडियस बडी बडी चालिबो हमर कोन हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हे हे चालिबो ताहले एई पॉइंट रे मोर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एई जगह रे एमिति शार्पली इंक्रीज है जो तार परे ए बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड है जो देखो इनसाइड रे 0 आसीला इलेक्ट्रिक फील्ड तार परे शार्पली कोन होला इंक्रीज है गला मैक्सिमम तार परे धीरे धीरे कोन हो डिक्रीज हो मुझे पाल लो एबे देखबे इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर पई केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसी ये मन करो स्फीयर टे चार्ज गिवन करू क्यू चार्ज है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन करू मन करो पॉजिटिव सब पॉजिटिव पॉजिटिव ताले एथिरे जो चार्ज भी हमें दबो मु कोई तुमको कही ली कोनो जो चार्ज भी दबो सी सरफेस नो पूरा होल वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हो रही मु तुमको कह रे कि जो चार्ज भी दबो होल वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हो
यार चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें कोन लिखो माने करो चार्ज डेंसिटी रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ताले q इक्वल टू हे जो मोर q इक्वल टू रो v होवा कता ताले v यार केते ये रेडियस माने करो r कैपिटल r 4/3 पाई r क्यूब q एति आसीबो आमे फर्स्ट आउटसाइड पॉइंट रे फाइंड आउट करबो आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट माने r इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल r ता माने एठी कोनोसी पॉइंट ए जाय मन कर पॉइंट ए भले ई पॉइंट ये स्मॉल r एथरे कोन करबो सेमिति मु स्पीड रे कर दो सेमिति कोसाइन सरफेस रे ड्रा करियो फाइंड आउट करियो कोन ई डी एस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 क्यू एठी फाइंड आउट करछु हमें रो 4 बाय आगे मु एमिति क्यू टर्म रे कर दो छी तापरे लिख दे ई डी एस ताले ई कांस्टेंट ई बाहर को चलेला डी एस इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कर दूं जी आपको कहीं ना तुम्हें स्मॉल क्यू सब वाले लिखे आ चुके हो ये डीएस समित भी हम कोई बारी भी कौन हो ये डीएस संग्रह कितने एंगल कर ची एक डीएस नली डीएस संग्रह एरिया वेक्टर संग्रह 0 डिग्री एंगल कर ची इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही थी भाई हमें या को cos 0 1 एते ओ लिखुनी मु डायरेक्ट करछु प्रीवियस क्लासेस से सब डिस्कशन करि सारछि मु डायरेक्ट करु छि ताले कते आसला e इनटू या सरफेस इंटीग्रल कते आसीबो ए पूरा टार 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 e इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर सेम थिंग देखो आसिला आउटसाइड पॉइंट पई जोटा आसिला हमरो स्फेरिकल सेल पई सेम जिंस आसिला एथरे भी आसिला इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर पई भी सेम आसा हालांकि क्यू रो वैल्यू एपर से पढाई दियो किंतु एक्सप्रेशन सेम आसला जदी हमें क्यू वैल्यू पुट करचू ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जगह रे कोन पुट करली रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर ताले एठी मते केते आसी जीवो तुम्हारो 4 पाई कटि गला आसी जीवो 1 बाय एप्सिलॉन 0 1/3 एप्सिलॉन 0 रो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर इक्वल देखो एति आसीबो एक्सप्रेशन नेक्स्ट आमे फाइंड आउट करिबा सरफेस ऊपर ऑन द सरफेस माने r इक्वल टू r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r ताले ये ए पॉइंट रे मन करो ए पॉइंट रे फाइंड आउट p पॉइंट एठी फाइंड आउट करिबी ताले समिति कोसाइन सरफेस रे ड्रा करिबी तापर फाइंड e ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 मते ई सेम थिंग मिली आइतला फार्मूला रो मो एबे से डायरेक्ट फार्मूला रो कर दू छी e इक्वल टू मते मिली आइतला 1/3 एप्सिलॉन 0 रो r क्यूब बाय r स्क्वायर एतकी मिलतला ना रो r क्यूब बाय r स्क्वायर ताले एठी r इक्वल टू जेहेतु r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r ताले 1/3 एप्सिलॉन 0 ये हे जो तुम्हारो रो r आसीबो ताले लिख दी परबी रो r बाय 3 एप्सिलॉन 0 रो r बाय 3 एप्सिलॉन 0 जदि मु ए क्यू टर्म रे ही रखिबी ताको वैल्यू पुट करिबेनी चार्ज डेंसिटी रो
ताले मोर आसी जीवो e बाहर को या सरफेस इंटीग्रल ds q / epsilon 0 ताले एठी मिल गला मते e इक्वल टू ये सरफेस ए सेम सरफेस आसीबो यार भी सरफेस ये क्वेश्चन सरफेस ताले ये आसीबो 4 / कैपिटल r स्क्वायर q / epsilon 0 e ताले केते आसीबो 1 / 4 / epsilon 0 q / तमे जमिति भी चाहबो करि पाइबो एमिति लेखि पारो क्यू रो वैल्यू देई थिले तुम डायरेक्ट लेख दो नले क्यू रो वैल्यू जदि सिग्मा ए मान हमरो चार्ज डेंसिटी टर्म रे देइथिबो ताले सेमिति भी लेखि पारि किछ असुविधा नै से फार्मूला भी आसबो ए फार्मूला भी आसबो जा गोटे फार्मूला मन रख देले सब होइ जइबो एबे लेखा इनसाइड गो पॉइंट पै नंबर रे कोन इनसाइड चार्ज एनक्लोज एठी केते आसीबो रे ए वॉल्यूम रे जति की चार्ज एनक्लोज हो सी हो क्यू अरे मु लिखि दउ छी एबे लिखि दउ छी क्यू / एप्सिलॉन 0 ताले ई बाहर को चली गेलम डीएस यार सरफेस इंटीग्रल केते आसीबो 4 / स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू केते अछि जति की चार्ज एनक्लोज हला मोर चार्ज डेंसिटी रो दै छी एनक्लोज केते हि छी ताले रो इनटू वॉल्यूम 4 / 3 / स्मॉल r क्यूब इक्वल टू केते आसीबो गोटियोला ताले / एप्सिलॉन 0 गोटे छडी जाई ते 4 / 4 / गोटियोला 1 / 3 एप्सिलॉन 0 एही रो r क्यूब यस जीओ रो r सॉरी रो आर आस जीवो देखो ताले एठी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिनियरली डिपेंडेंट ताले ई वर्सेस आर रो ग्राफ केमिति होबो एठी देखो मोर एमिति ई आउ आर इनसाइड पॉइंट रे इनसाइड रे लिनियरली डिपेंड करला आर उपरे इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने मु एउरु कोन करबी एई बुढा डायरेक्ट कर एई जगह रे मैक्सिमम आसीबो जोटा की सरफेस रे मैक्सिमम आसला केते आसला तमरो 1 / 4 / एप्सिलॉन 0 q / कैपिटल r स्क्वायर ता परे एई बुढा डिक्रीज हिजो बुझी पालो क्लियर नेक्स्ट देखिबा सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पाई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पाई ये चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पाई केते आसीबो देखो जदि ए भलिया स्फीयर टे अछि मु कहली याको क्यू चार्ज देली क्यू चार्ज देली ता माने मु कंडक्टर केस रे कहितली जते भी मु चार्ज दे से कोन हो सब सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट होइजो सब सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट होइजो किंतु मु देइथिबे चार्ज केते टोटल वॉल्यूम रे मु चार्ज गिवन करथिबे किंतु से आपे आपे कोन हो सब चार्ज सरफेस को चली जो किंतु देइथिली मु केते रो चार्ज डेंसिटी रो इनटू 4 / 3 / आर क्यूब एति की चार्ज मु गिवन करथिबी किंतु से सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट हेइ गला एई बडा डिस्ट्रीब्यूट हेइ जीवो तेनो ये टोटली बिहेव करिवो आउटसाइड पॉइंट इनसाइड पॉइंट जेमिति सेल बिहेव करथिला सेही टाइप रही ये बिहेव करिवो
जदि आउटसाइड पॉइंट देख कथा कहिबी आउटसाइड पॉइंट पई E equal to आसी जीवो 1 by 4 pi epsilon 0 ये कौन बटे सही पॉइंट चार्ज भड़िया बिहेव करिवो Q by म लेखुनी एई एक्सप्रेशन आसी जीवो जेमिति सेल रे हम फाइंड आउट करतिले सब केस रे सेमिति आसी आउटसाइड पॉइंट पई एई फार्मूला वैलिड आउटसाइड पॉइंट पई E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by स्मॉल r स्क्वायर ए वैल्यू आछि एथि आसीबो q रो वैल्यू कोन पुट करबा जदि आमे q रो वैल्यू देई देछि जदि q रो वैल्यू देई देछि हमको ठीक अछि किंतु जदि चार्ज डेंसिटी टर्म रे देछि रो देछि ताहले तुम्हें रो फाइंड ए q आगे फाइंड आउट करबो केबे भी भूल रे करबो नि जो सरफेस एरिया रो वैल्यू पुट कर दो 4 पाई r स्क्वायर पुट कर दो केबे भी करबो नि जदि रो देछि ताहले टोटल वॉल्यूम रे केते चार्ज अछि सेइटा फाइंड आउट करिवो सेइ चार्ज कोन हेइ छि सरफेस को ट्रांसफर हेइ छि हैला सेति कि चार्ज हि सरफेस को ट्रांसफर हेतो एमि दुने कि तुमको रो रो वैल्यू दे दे छि तुमे सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दबो ता संग तापर चार्ज फाइंड आउट करियो समिति करि गरि भूलै छु ई इक्वल टू केते आसीबो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जगह रे केते लिखबी रो 4 बाय 3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर ताले एठी मोर आसी गला 4 पाई कटि गला रो r क्यूब बाय r स्क्वायर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर एडी वेरिएबल खाइल के r बुझि पालो सरफेस ऊपर केता आसीबो सरफेस ऊपर सेम जिंस हो ई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू पुट करले ई इक्वल टू आसीबो 1 बाय 4 पाई ना सिम डायरेक्ट पुट कर दो छी रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन 0 आस्केर आस्केला एडी तो या पई कोन सरफेस पई सरफेस पई तमरो r इक्वल टू कैपिटल r ताले ये v r स्क्वायर लिजिवो मरो आसीयो रो r डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट टर्म तकिना r कांस्टेंट बुझि पालो एडी मैक्सिमम आस्केर सरफेस ऊपर देन जदि मु करबी इनसाइड पॉइंट रे देखो चार्ज एनक्लोज केते हो 0 q इक्वल टू 0 हि जीवो ताले तमर e इक्वल टू भी 0 हि जीवो हला ग्राफ जदि प्लॉट करबा इनसाइड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ताले हम सेंटर रो गलु सरफेस ऊपर को जीरो जीरो तापरे मैक्सिमम आसी गला मैक्सिमम वैल्यू केता आसला रो आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 एतकी आसला तापरे कोन हबो डिक्रीज पुनी हबो एमिति बुझि पालो ठीक अछि क्लियर एतकी रे तमर जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर थिला सेटा कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्लास रु आमे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कशन करिवु आगो को एमिति वीडियो पाया पई आमो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं तळे थिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर दियो धन्यवाद।